हे गाइस, तो क्या आप अपने लैपटॉप से थक चुके हैं? आप थक जाते हैं, लैपटॉप इतना थका हुआ है, मतलब इतना स्लो चलता है, खुलेगा एकदम धीरे धीरे, कछुआ बन चुका है, कोई भी काम कर रहे हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फंस जा रहा है, तो फिर आपको एक अपने कंप्यूटर में एक अच्छा SSD लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी भी बताऊँगा कि किस तरह से मेरे एक दोस्त ने एक लोकल मार्केट से जा कर के SSD लगवा लिया, और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, कितना उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा और सस्ता एक SSD ख़रीदा है, जो कि इंटरनल SSD है, जो कि आपके लैपटॉप के अंदर लग जाएगा और उससे आपका लैपटॉप एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपका लैपटॉप कछुआ था तो खरगोश जरूर बन जाएगा, तो इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने क्यों ख़रीदा, वो सारी कहानी बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको इंट्रो के बाद। तो गाइज, ये है SSD का बॉक्स, जो कि एक इंटरनल SSD है। यहाँ पर आप ब्रांड देख सकते हैं, क्रूसियल का है, जो कि वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है SSD में। या फिर आपको रैम खरीदना है, या फिर आपको इंटरनल SSD खरीदना है, या फिर एक्सटर्नल SSD खरीदना है, और सब में ये लीडिंग है और भरोसेमंद भी है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है, ये है P3 मॉडल का। P3 मॉडल के अलावा आपको P3 प्लस और P5 प्लस भी मिल जाता है। तो P3 में क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, नीचे में लिखा है PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD, यानी कि जो ये SSD है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसी के जो साथ में एक और इसका होता है भाई, वो बोलते हैं SATA SSD। तो जो SATA होता है वो अफोर्डेबल होता है और काफ़ी चीप प्राइस का होता है इसके मुकाबले, लेकिन वहाँ पर जो रीड और राइट स्पीड मिलता है वो काफ़ी कम हो जाता है इसके मुकाबले। तो जिस चीज़ के लिए हम SSD ले रहे हैं, तो रीड और राइट स्पीड वही अगर कम हो जाए तो फिर SSD का फ़ायदा क्या। तो लोकल मार्केट में आपको SATA लोग SATA SSD दे देते हैं और आपको चिपका देते हैं और प्राइस इसी का चार्ज कर लेते हैं, इतना महंगा महंगा। तो इसलिए आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, और आप ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें तो ये वाला PCIe NVMe ही खरीदिएगा। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल लिंक दूंगा, आप वहां से जाकर के ओरिजिनल प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। तो जो P3 SSD होता है, यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ये देख सकते हैं, रीड स्पीड अप टू 3500 Mbps। यहां पर 3500 Mbps का आपको रीड स्पीड मिल जाता है, और ये जो B है ये बाइट है, यानी कि MB/s, यानी कि रियल वाला Mbps है। ये इंटरनेट प्रोवाइडर जैसा आपको देते हैं कि 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड है, जहां पर वो लोग बी स्मॉल लिखते हैं, यानी कि MB/s, तो वो वाला ये नहीं है, ये रियल MB है, यानी कि MB है ये। तो 3500 Mbps आपको रीड स्पीड मिल जाता है, और राइट स्पीड आपको 3000 Mbps का मिल जाता है। कैपेसिटी जो है 4 TB का, 2 TB का, 1 TB का और 500 GB का वेरियंट आपको ये वाला मिल जाता है। तो मेरे हाथ में जो है ये वाला 1 TB का है, जिसका प्राइस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। NVMe टेक्नोलॉजी का है, और 5 साल का आपको लिमिटेड वारंटी मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वारंटी है। तो इसी के साथ साथ ये वाला जो मॉडल है, ये तो P3 था, जिसका स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी बताया। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए और आपके पास पैसे की कमी नहीं है, इसका मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि कितना में मैंने ख़रीदा है। तो इस P3 मॉडल वाले को मैंने ख़रीदा है, 1 TB वेरियंट का मैंने ख़रीदा है, लगभग 4500 रुपये के, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, तो इतना का मैंने खरीदा है। लेकिन अगर आपको और भी स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो एक और मॉडल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं P3 Plus SSD। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको रीड स्पीड 5000 Mbps का मिल जाता है, और जो राइट स्पीड है 4200, यानी कि 4200 Mbps का मिल जाता है। वेरियंट्स वही है, 4 TB, 2 TB, 1 TB और 500 GB। तो जिस तरह से ये P3 था, ये 1 TB पड़ा है 4500 रुपये के आसपास का, तो उसी तरह जो ये P3 प्लस है, सेम कॉन्फ़िगरेशन में 1 TB, ये आपको महंगा इससे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको रीड स्पीड जो मिलता है 3500, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3500 Mbps मिल रहा है, राइट स्पीड इतना मिल रहा है 3000 Mbps, जबकि इस वाले में देख सकते हैं P3 प्लस वाले मॉडल में ये डायरेक्टली बढ़ जा रहा है यहाँ पर रीड और राइट स्पीड, इसकी वजह से ये महंगा आपको मिलेगा।
इसके ऊपर एक और मॉडल होता है, अगर आपका इससे भी काम नहीं चल रहा और स्पीड आपको चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है P5 प्लस। यहाँ पर जो रीड स्पीड आपको मिल जाता है 6600 Mbps, यानी कि 6600 Mbps का स्पीड आपको मिल जाता है रीड स्पीड, और राइट स्पीड आपको मिल जाता है 5000 Mbps का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपेसिटी है 2TB का है, 1TB का है और 500GB का है, यानी कि यहाँ पर आपको 4TB का स्टोरेज नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पीड हो जाता है, तो 2TB ही काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे कंपनी 4TB वाला वेरिएंट भी देता तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता, क्योंकि इसका 2TB ही बहुत ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड दे रहा है। तो लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा P3 वाला SSD ही, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो आपके आसपास में होंगे, जो आप SSD इसीलिए खरीद रहे हैं ना क्योंकि आपका कंप्यूटर स्लो है। तो अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि डायरेक्टली आपका जो कंप्यूटर है वो ये 5000 और 6000 Mbps को सपोर्ट करेगा। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपका जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है और बाकी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोसेसर, रैम, वो सारा भी बहुत मायने रखता है। तो मे भी ये वाला जो P5 प्लस का जो SSD है ये मे भी आपके में सपोर्ट ही नहीं करे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो एक तरह से बहुत महंगा भी नहीं लेना चाहिए, जैसे कि यही है 1TB का है, अब यही 4000-5000 रुपये का मिल रहा है और इतना स्पीड जो है सफिशियंट है, ये सफिशियंट स्पीड है, ये अच्छा स्पीड है, ख़राब नहीं है। आप अगर साटा में लेने जाएंगे ना दुकान में, लोकल दुकान में, तो आपको यही प्राइस का अगर 1TB का लेंगे तो 4000 रुपये में देंगे और यही जो स्पीड है वहाँ पर आपको 300 Mbps का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 300 Mbps। सोच सकते हैं यहाँ पर 3500 Mbps है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, काफ़ी बढ़िया स्पीड है, ख़राब नहीं है। ये जो आप स्पीड देख सकते हैं P5 प्लस का, ये वाला 6600 Mbps का, ये 3 लाख के लैपटॉप में मेरे मैकबुक में है इतना स्पीड रीड और राइट का स्पीड। तो उस हिसाब से आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए ऐसा SSD लगाने के लिए। ये नहीं कि पैसा बहुत है तो कुछ भी खरीद ले रहे हैं, अगर पैसा बहुत है डायरेक्टली नया लैपटॉप ही खरीद लीजिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वाला ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर स्लो है, इसका मतलब ज़रूर ये बात होगी कि उसका प्रोसेसर और रैम कम होगा, सिर्फ उसमें हार्ड डिस्क होगा, इसलिए आप SSD से रिप्लेस SSD उसमें ऐड कर रहे हैं, उसमें स्लॉट अगर होगा तो। अब उन लोगों को ये लगाना चाहिए, कई लैपटॉप्स में क्या होता है कि उसमें स्लॉट ही नहीं होता SSD का, तो आप एक बार लोकल शॉप में नहीं बोलूँगा, आप एक बार अपने ब्रांडेड जो शॉप होता है, सर्विस सेंटर होता है, वहीं पर जाकर के दिखा के पूछे कि क्या इसमें SSD लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अगर लग सकता है तो फिर आप ये खरीद के लेते जाइए और वहीं पे इसको लगवा लीजिएगा, या फिर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको सर्विस सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही लोकल मार्केट में जाने की जरूरत है, आप खुद से भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं भी इसको खुद से ही लगाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने कंप्यूटर में कैसे लगाता हूँ इसको। तो उससे पहले अब मैं आपको, टाइम आ चुका है कि बहुत ज़्यादा इधर मैंने आपको इसके बारे में चीज़ें बता दी, 5 साल का वारंटी है और इस पर डब्बा पर तो आपको कुछ भी अब देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है। तो मैं अब इसको खोलता हूँ, खोलने के लिए यहाँ से मैं इस पर चाकू लगाता हूँ। जब भी आप बॉक्स रिसीव करें तो देखिएगा ध्यान से कि क्या ये सील्ड है कि नहीं है, यहाँ पर ये सील्ड था। और इसके बाद अब मैं इसको खोल रहा हूँ, तो इधर से अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये देख सकते हैं, और इस बॉक्स में अब कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है। और इसमें आप क्या सोच रहे थे कि लड्डू पेड़ा मिलेगा इसमें, वैसा तो कुछ होता नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, बस दो चीज़ें हैं, एक पेपर वर्क और एक ये वाला। तो इसको हम अभी थोड़ा सा नीचे रखते हैं, उससे पहले हम ये वाला पेपर खोल करके देख लेते हैं कि यहाँ पर आखिर लिखा क्या है, क्योंकि हर बार हर चीज़ें फेंकने योग्य नहीं होती हैं और पढ़ने योग्य कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वाला जो है ये फेंकने योग्य ही है माफ़ करिएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा भी चीज़ें नहीं लिखी गई, इसको हम हटाते हैं साइड में, और ये वाला जो है हमारा SSD, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, P3 PCLE 3.0 M.2, ये इधर नंबर लिखा है, कुछ क्रूसियल ब्रांड की तरफ से है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 GB, यानी कि 1TB के अप्रॉक्स में है, 1024 GB बराबर 1TB होता है। ये आप चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारा चीज़ लिखा गया है और ये ब्लैकिश कलर में है। बाकी दूसरे ब्रांड्स का जब मैंने सैमसंग का ख़रीदा था
तो वहां पर ये मुझे ब्लूइश टाइप से मिला था, लेकिन यहाँ पर मुझे ये ब्लैकिश टाइप से मिल रहा है, लेकिन इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब मैं आपको डायरेक्टली ये अपने कंप्यूटर में लगाऊंगा, अपने लैपटॉप में लगाऊंगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये कैसा काम करता है और कैसा इसमें कितना जीबी आपको मिलता है। मैं आपको बता दूं कि 1000 जीबी अगर है तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मिलेगा। आप जानते भी होंगे कि हार्ड डिस्क में भी या किसी भी स्टोरेज में कंप्लीट स्टोरेज आपको नहीं मिलता है, थोड़ा सा सिस्टम रखता है अपने लिए। तो हम चलते हैं कंप्यूटर पे।
कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जाकर के कुछ भी लिखिए और अपनी हाजिरी बना दीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।